नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार रेडियो चैट। यूपी के पूर्वी छोर पर गंगा की गोद में बसा बलिया इन दिनों गंगा की लहरों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। रविवार की सुबह गंगा की रौद्र रूप को देखकर ग्रामीणों ने हरे पेड़ों की बलि देना शुरू कर दिया। गंगा ने तीसरी बार लाल निशान को पार किया, 58 से 150 पर पहुंची। आधा दर्जन गाँव से लोगों का पलायन शुरू। केहरपुर, सुगर छपरा, रामगढ़, चैवे छपरा, गोपालपुर, उदयी छपरा के गांव के सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में अपना आशियाना छोड़ने को मजबूर ट्रैक्टर से लोग सामान लेकर भागते हुए नजर आए। बलिया प्रशासन की तरफ से डीएम बलिया भवानी सिंह खंगारौत ने गंगा की कटान से घिरे लोगों का लिया संज्ञान। मौके पर पहुंचे एसडीएम बैरिया को दिया निर्देश, बेघर हुए लोगों का प्राइवेट स्कूल में रहने की गई व्यवस्था। समाचार एटूजेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। वैकल्पिक स्थान पर भूमि उपलब्ध करा करके वो परियोजना को फिर से लागू किया जाता है। जैसे स्कूल कटाया तो स्कूल दोबारा बन जाएगा, पानी की टंकी अगर ध्वस्त हुई है तो फिर से एक नई पानी की टंकी बनेगी। जिन लोगों के मकान गिरे हैं, यदि वो गरीब हैं, कुछ तो लोग हैं देखिए बड़े बड़े मकान इनके हैं, मुझे लगता है गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएंगे, श्रेणी में नहीं आएंगे। परंतु जो गरीब है, उस व्यक्ति का अगर कटान में मकान गिरता है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 लाख रुपये की धनराशि से आवास बना। अभी जो